पिछले 11 वर्षों से गुरुग्राम, जयपुर और बिजनौर में स्लम इलाकों के किशोरों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एनजीओ न्यूफ्यून क्रिएटिव फाउंडेशन ने हाल ही में अपना वार्षिक उत्सव जज्बा 2024 बड़ी सफलता के साथ मनाया है। कार्यक्रम छात्रों की अद्वितीय प्रतिभा का एक जीवंत प्रदर्शन था, जिसमें कई प्रस्तुतियों और एक सुंदर चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु स्वाति सिन्हा के मार्गदर्शन में एक शांतिपूर्ण गणेश वंदना से हुई, जिसमें एक श्रद्धामय उत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ। इसके बाद दर्शकों को नाटक द्वा बद्दुआओं के बीच प्यार और दुआओं का सफर ने गहराई से प्रभावित किया, जिसे पंकज गुप्ता ने निर्देशित और अविनाश ने कोरियोग्राफर किया। इस शक्तिशाली प्रदर्शन ने किन्नर समुदाय, समाज और अपने परिवारों में स्वीकृति पाने के संघर्षों को मार्मिक ढंग से प्रस्तावित किया। न्यूफ्यून क्रिएटिव फाउंडेशन ने किन्नर समुदाय के कई सदस्यों, जिनमें गुरु मां शिल्पी चौधरी भी शामिल थी, उनके साहस को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। जज्बा 2024 का एक महत्वपूर्ण आकर्षण प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुस्तकों का वितरण था। पिछले 8 वर्षों से न्यूफ्यून ने पद्मश्री काका हाथरस जी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर इन पुरस्कारों का आयोजन किया है। न्यूफ्यून की संस्थापक डॉक्टर अनुभूति ने साझा किया कि इन पुरस्कारों की स्थापना छात्र को प्रेरित करने और काका जी के जीवन और कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई है, ताकि नई पीढ़ी उनके उज्जवल जीवन से प्रेरणा ले सके। इस वर्ष काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार गुरुग्राम की वर्षा दास को उनके सराहनीय शैक्षणिक करियर के लिए प्रदान किया गया। काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार, जो मैजिक क्रिएशन द्वारा प्रायोजित था, रेशमा को उनके शैक्षणिक और प्रदर्शन व दृश्य कला में असाधारण विकास के लिए दिया गया। इसके अलावा काका हाथरसी शिक्षक पुरस्कार बिजनौर की अल्पना देवी को उनके स्कूल में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिया गया। एक महत्वपूर्ण घोषणा में डॉक्टर अनुभूति ने बताया कि न्यूफ्यून का प्रदर्शन और दृश्य कला संस्थान अब पद्मश्री काका हाथरसी इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के नाम से भी जाना जाएगा। काका जी की विरासत को आगे बढ़ाना है और नई पीढ़ियों को कला के माध्यम से प्रेरित करना है। इस मौके पर उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए न्यूफ्यून गोल्डन फिनिक्स अवार्ड संध्या चंद को उनकी अकादमिक सफलता के लिए दिया गया। न्यूफ्यून लॉन्ग एसोसिएशन पुरस्कार स्मृति पांडे को उनके अटूट समर्पण के लिए प्रदान किया गया। सबसे समर्पित स्वयंसेवक टीम पुरस्कार आवाम की आवाज को न्यूफ्यून की पहलों के प्रति उनके करीबी सहयोग और निरंतर समर्थन के लिए दिया गया। कला पुरस्कार प्रियंका दिवाकर को उनकी नृत्य के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा कई प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति से बढ़ी। मुख्य अतिथि हिस्टोरिक्स यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अशोक दिवाकर प्रतिभाओं के दर्शन से मंत्रमुग्ध हुए और बच्चों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए ऐसे मंचों का होना अत्यंत आवश्यक है, जहां उनकी आवाज सुनी जा सके। सिकरी ने नींव के प्रयासों की सराहना करी, जो न केवल इन बच्चों को शिक्षित कर रही, बल्कि उनकी कलात्मक क्षमताओं और आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही है। विशेष अतिथि डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल और डॉक्टर भीन अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रशंसा की, बच्चों की प्रगति की सराहना की और फाउंडेशन को समर्पित कार्य की भी प्रशंसा की। गुरु मां शिल्पी चौधरी को सम्मानित अतिथियों में से एक थी, जो किन्नर समुदाय के संघर्षों को सार्वजनिक रूप से ले जाने के लिए न्यूफ्यून के प्रयासों की गहरी सराहना की। उन्होंने एनजीओ के सामाजिक मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा और फाउंडेशन को उनके समुदाय के लिए चुनौतियों को आवाज देने के लिए धन्यवाद दिया। जज्बा 2024 की सफलता न्यूफ्यून की टीम के समर्पित प्रयासों के कारण संभव हो सकी, जिसमें टीम के सदस्य फिरोज खान, आर.एन. कुमार, स्मृति पांडे, रीता दीवान, गौरव आदि शामिल थे। कार्यक्रम का समापन राहुल भटनागर के हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम के प्रायोजकों पास्को ऑटोमोबाइल्स, आवाम की आवाज, मैजिक क्रिएशन, नाइफ आर्ट कैटरिंग और हिंदी साहित्य निकेतन के अटूट समर्थन को स्वीकार किया। उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसके कारण प्रेरणादायक प्रतिभाशाली कार्यक्रम की सफलता में अहम योगदान दिया। जज्बा 2024 केवल छात्रों की प्रतिभा का उत्सव नहीं था, ये न्यूफ्यून क्रिएटिव फाउंडेशन की सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक समृद्धि और हाशिए पर खड़ी समुदायों को सशक्तिकरण के प्रति चल रही प्रतिबद्धता की एक शक्तिशाली पुष्टि थी। मैं बच्चों को इतनी बधाई देना चाहता हूँ कि आज लाखों रुपए खर्च करके उन स्कूलों में भी बच्चों को इतने शानदार संस्कार, इतना अभिनय, इतना संगीत, इतना मतलब आपसी प्यार नहीं देखने को मिलता। वो जो वेस्टर्न कल्चर के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनसे ये बच्चे लाख गुना बेहतर हैं। मैं इनके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ और यहाँ के आयोजकों को बधाई देता हूँ। देखिए, लगभग हम लोग अब पहले हफ्ते में शुरू में एक दिन मिलते थे, फिर लास्ट मंथ दो दिन मिलने लगे, ऐसा करते करते। लेकिन हम लोग क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग बच्चों के साथ में काम करते हैं, तो हमें पता है कि किसको कैसे ट्रेन करना है। जो जितनी जिस तरह से प्रोफेशनल्स लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं, वैसे ही हम लोगों ने इनकी ट्रेनिंग करी। इन्होंने डांस की, मैंने थिएटर की, थोड़ा बताइए कैसे। जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ न कुछ हमारे समाज में यहाँ से जाए और
बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने जितनी हमने मेहनत की थी उतना उन्होंने परफॉर्म किया और दिखाया कि ये बच्चे भी कम टैलेंटेड नहीं है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं ये कहूंगा कि इसमें अब शुरू में जब हम बच्चों को ट्रेन कर रहे थे उनसे हम बात कर रहे थे कि आप कितना जानते हैं इनके बारे में, कितने समाज के लोगों के बारे में, तो शुरुआत में उनको भी बहुत कुछ नहीं पता था, इवन कि मुझे खुद भी बहुत कुछ नहीं पता था। जब हमने रिसर्च करी, सारे इंटरव्यूज देखे, पढ़ा उनके बारे में, समझा, आर्टिकल्स पढ़े, फिर उनको सही से गाइड किया और आज मैं देखता हूँ कि वो लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं जो बच्चे लेके प्रोसेस में हमारे साथ में थे कि उनको पता है कि उनका मजाक नहीं बनाना है और उनको अगर आप रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो आप उनपे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये उनका हक है। तो मुझे लगता है कि अगर लोग तालियां तो ठीक है लेकिन कुछ इसमें से लेके जाएं और वो याद रखें, अपने बच्चों को बताएं और जिन बच्चों ने देखा उनको याद रहे कि हाँ हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा नहीं कमेंट करना चाहिए, हिला चक्का नहीं बोलना चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए, तो मैं मानूंगा कि शायद हमारी जो भी मेहनत थी वो सफल रही होगी। नसीब है कि हमें भगवान ने वो दे दिया जो कि कुछ लोगों को नहीं दिया और हमें कोई कुछ बोल नहीं रहा, तब भी हम दुखी हो रहे होते हैं कि हमारे हम गोरे नहीं हैं, हम काले हैं, हम छोटे हैं, हम ऊंचे हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन उनकी सोचो जिनको माँ बाप भी नहीं अपनाते। काका हाथरसी पुरस्कार हमने शुरू किए थे करीब आज से 8 साल पहले और 2016 में हमने शुरू किए थे और काका हाथरसी मेरे नाना जी हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर नाना मेरे काका हाथरसी हैं, पापा मेरे डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी हैं जो साहित्य के जाना माना नाम है, तो उनके काका के नाम को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, तो इसीलिए हमने ये अवार्ड शुरू किए थे। तो शिक्षा पुरस्कार, प्रेरणा पुरस्कार और शिक्षक पुरस्कार हम देते हैं और अभी हमने अपना आज ही लॉन्च भी किया है काका हाथरसी इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, तो वही है कि मैं काकू के नाम को कैसे आगे ले जाऊं जो लोग सब लोग जाने, क्योंकि उनका जीवन जो है इतना प्रेरणा वाला है, जिस कष्ट में उन्होंने अपना जीवन जिया, अपने मामा के यहाँ रहे, अपने मतलब गमछे से खाली मक्खियां उड़ाने का काम वो करते थे, पढ़ाई उनकी नहीं हुई और उससे वो मम्मी को उन्होंने इतना पढ़ाया, मम्मी को पढ़ाया तो हमारी पीढ़ी भी पढ़ी, अब आज के आगे की पढ़ी, तो उन्होंने पूरी पीढ़ी को उसको बदल दिया, कहा उनकी माँ जो थी वो बर्तन मांजती थी घरों में, तो वही चीज मैं बच्चों को देना चाहती हूँ कि अगर मेरे नाना कर सकते थे और मैं यहाँ हूँ तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी पता नहीं कहाँ होंगे। तो बस जी, सपने हुए अपने हमने अभी लॉन्च की, ये मेरा बहुत पहले का सपना था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत तरह के कार्यक्रम, इसमें हमारे बच्चे ही अपने मन की बातों को लिखते हैं, तो पहला हमारा अंक अभी आया था कि वॉइस टू ड्रीम्स, तो वो अंक था कि अपने सपनों को ये कैसे आवाज दे सकते हैं, कैसे उसको सच कर सकते हैं, कैसे अगर वो सपने देख रहे हैं तो उनको क्या मेहनत करने की अब जरूरत है, वही था। और बच्चों को क्या संदेश देंगे जो अभी भी पढ़ाई से वंचित हैं? एक ऐसा साधन है जो कि आप बहुत ही शानदार, और मुझे एक्चुअल में ना इस ये पीछे से क्या चल रहा है इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, मुझे मालूम था सब्जेक्ट के बारे में मालूम था, लेकिन जब मैंने इनको देखा करते हुए तो सच में तो बड़े बड़े कलाकार फेल हो जाएंगे इनके सामने, जो इन्होंने 3 महीने में करके दिखाया है, रिमार्केबल, बहुत ही अमेजिंग, इसका कुछ शब्दों में बयान ही नहीं किया सकता, इनफैक्ट मैं देखते देखते मेरी भी आंखें नम हो गई थी, तो मैं अपने आप को बड़ा कठोर समझता हूँ लेकिन मेरी भी आंखें नम हो गई थी इसको देखते हुए, तो बहुत ही रिमार्केबल। और आप लोगों का इतना ज्यादा योगदान है सारे पत्रकार लोगों का कि आप लोग हमेशा इस सब्जेक्ट को इतना जन जन तक पहुंचाते हैं, ये बहुत ही रिमार्केबल है और बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं, 150, 200, 300 लोगों तक पहुंच गए, लेकिन आप लोग जो हजारों लोगों को मैसेज पहुंचा देते हैं वो बहुत जबरदस्त है, तो इसके लिए आप लोग भी बहुत थैंक्स के और प्रोत्साहन कह लूं, मैं क्या कह लूं, आप लोग का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ये जो बच्चे है ना, इनको मैं करीब जब से एनजीओ शुरू हुआ है तब से देख रही हूँ और इनको बचपन से बड़ा होते और अब अपने पैरों पर खड़ा होते देख रही हूँ, तो जब भी इनको स्टेज पर देखती हूँ या इनकी कोई भी कहानी सुनती हूँ ना तो बहुत भावुक हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा। और कुछ बच्चे तो आप पढ़ा रहे हैं तो इतनी प्राउड फीलिंग हो रही थी आज उनको स्टेज पे देख के, जो उन्होंने स्टोरी हमारे सामने रखी वो तो एक अलग बात है, क्योंकि उसमें तो
उन्होंने एक ऐसे तथ्य को सामने लेकर आया जो हमें पता नहीं था और हमारी सोच शायद आज उन्होंने बदल दी। लेकिन उसके अलावा जो बच्चों की मेहनत और उनकी जो ग्रोथ है ना, उसको देखकर बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अनुभूति के अंदर काम करने का जो जज्बा है ना, वो जुनून की हद तक है। वही है जो इस तरीके से जड़ में घुस के, तह में घुस के काम कर सकती है। हम बाहर से उसको सपोर्ट करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो असली काम है ना, वहां तक सोचना और फिर उसको हासिल करना, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, जो सब्जेक्ट्स से लोग उठाते हैं आसान सब्जेक्ट्स नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा आनंद भी आया, मैं भावुक भी हुआ थी। बच्चे हमेशा और आगे बढ़ें, बढ़ते रहें, ऊंचाइयों को छुएं और देश का नाम रोशन करें। अच्छा लगा बच्चे ने जो किया, बच्चे ने बहुत ही जवाब भी नहीं मेरे मुंह पे कि मैं बोलूं, वो बच्चे ने इतना अच्छा किया, एकदम बोलने से बाहर आंसू आ गए। ठीक है, बच्चों ने जो हमारा जिंदगी के बारे में जो बच्चों ने दुनिया को दिखाई, सबको दिखाई बच्चों ने, ये हम लोग बहुत खुश हुए इसमें। ठीक है, और भी सब समझे और भी सबको खुश हुए। ठीक है, हमारा जो गुरु माँ है और भी जो है हमारे जैसे टांस जितने भी है, ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो वो भी और खुश होंगे। ठीक है, बच्चों ने जो किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। वही मैं कह रहा हूँ कि आज जिस विषय को लेकर निफ्यूजन फाउंडेशन ने आज नृत्य नाटिका प्रस्तुत की है, वो एक अनोखा विषय है जिसको प्रस्तुत करने की हिम्मत प्राय नहीं होती। हालांकि आज किन्नर विमर्श हमारे साहित्य का एक विषय बनता जा रहा है और बहुत सारे उपन्यास भी किन्नर विमर्श पर लिखे गए हैं, लेकिन वे अभी सुप्तावस्था में है। मंच पर उस बात को प्रस्तुत करना और हिम्मत के साथ प्रस्तुत करना और बच्चों के द्वारा प्रस्तुत करना एक अद्भुत था। और आपने देखा होगा कि हम सब लोग जो दर्शक थे वो तो भावुक थे ही, लेकिन जो अभिनय कर रहे थे बच्चे वो भी अंत में भावुक हो गए। इसका मतलब यह है कि वो विषय उनके मन तक पहुंचा।